हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएन क्लासेस। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जो क्लास 10 की स्टडी कैसे स्टार्ट करें, आपको 2020 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि जो 70% स्टूडेंट है आगे चल के बहुत सारी गलती करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मात्र पर्पस है कि जितने स्टूडेंट आगे चल के जो गलती करने वाले हैं उसे ना करें, क्योंकि हम लोग भी जब क्लास 10th में थे उन गलतियों को कर चुके हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2020 का एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी एडमिशन लिए हैं क्लास 10th में, वो आगे चल के उन गलतियों को ना करें। तो इस वीडियो में पूरा आपको जो पूरा एक साल का पैटर्न लेके आए कि आपको कैसे स्टडीज करनी है और किन किन बातों को ध्यान रखना है। देखिए, अभी आप एडमिशन ले लिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होगा कि आपका क्लास 10 का सिलेबस क्या है। ये चीज आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, आप कहीं भी जाते हो तो आपको रास्ता पता होना चाहिए कि आपको किस रास्ते से जाना है। वैसे ही आपके क्लास 10 का सिलेबस होता है कि आपका मैथ्स में क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप पढ़ोगे कैसे? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनका भी पूरा सिलेबस दिया है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट का भी सिलेबस दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से समझ लेना। देखो क्या होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में, अभी जैसे ही आपका क्लास अभी स्टार्ट हो गया होगा, तो अभी जो टॉपर्स होंगे उनके पास भी सेम टाइम है और आपके पास भी सेम टाइम है। फिर आगे चल के आपसे ऐसी कौन सी गलती हो जाती है कि आप टॉप नहीं कर पाते, ये चीज आपको इस वीडियो में समझना पड़ेगा कि आपके पास भी उतना ही टाइम मिलता है। अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो मान लो कि 300 दिन आपके पास भी है, 300 दिन टॉपर्स के पास भी है, तो वो उनका क्यों बोर्ड एग्जाम में 90% आता, आपका क्यों नहीं आ पाता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो उसका एक मेन रीजन है आपका टाइम टेबल। उनका क्या है कि वो एक फिक्स टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं और आप विदाउट टाइम टेबल ऐसे रैंडम पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ये आपको गलती नहीं करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप अभी से 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन आप एक फिक्स टाइम टेबल बना लो, कम से कम 2 घंटे भी अभी से आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आ गए। देखो, आपका जो 9, 10, 11, 12 का जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम आपके लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है, इसीलिए आपको इसको बर्बाद नहीं करना है। फिर जो आपका जनवरी आएगा, फिर आप काफी अफसोस करोगे। और मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट 90% बोर्ड एग्जाम में ला सकता है। आप अपने दिमाग को कभी कमजोर मत समझना। अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर दोगे तो आप 100% आप भी 90% ला सकते हो। जैसे ही आप क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपकी रेगुलर स्टडीज पे, क्योंकि आपका आप क्यों नहीं टॉप कर पाते हो, इसका मेन रीजन मेरे हिसाब से ये आपकी ये थर्ड पॉइंट है, आप रेगुलर स्टडी नहीं करते हो। जो आपका टॉपर स्टूडेंट रहता है वो साल भर लगातार मेहनत करता है और आप साल भर नहीं पढ़ते हो, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए और आप एक एक महीना ऐसे गैप कर देते हो, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद आपको अपना एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना है कि आपको फिक्स पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, अपने को पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, कोचिंग के लिए कितना टाइम देना है, स्कूल के लिए कितना टाइम देना है और अपने सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देना है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना है अगर क्लास 10 में आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए तो। और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ टाइम, आपको टाइम का महत्व, समय का महत्व अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी। और आपके लिए एक और फायदे की बात हम बता दें, आपको कोई भी क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। 9455467872 इस पे आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको जो भी डाउट होगा क्लास 10 से रिलेटेड आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। बस आपको क्या करना है, सब फैसिलिटी आपको मिले, बस आपको पढ़ना है, ये काम बस आप ही कर सकते हो। अगर क्लास 10 की पढ़ाई अभी से आप स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए काफी फायदा होगा। 1 जून से हमारे चैनल पे आपको रेगुलर क्लास 10 की वीडियो मिलेगी। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा, जून टू अगस्त, सितंबर टू दिसंबर, जनवरी टू फरवरी। देखिए ये 3 ऐसा फेस है जहां बच्चे गड़बड़ी करते हैं। देखिए अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, नई नई बुक्स आपके पास आएगी तो अभी आपके पास जोश रहेगा, आप जून जुलाई अगस्त थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, उसके बाद आप स्लो हो जाते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो, फिर तब एग्जाम का प्रेशर आता है तब पढ़ना स्टार्ट करते हो। यही आपको गलती नहीं करनी है। आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझा रहे हैं, कभी भी आप रेस देखे हो, कभी भी जो रेस स्टार्ट होती है उसका जो स्टार्टिंग लाइन सेम रहता है, वैसे जो आपका एग्जाम है हर एक स्टूडेंट के लिए जो स्टार्टिंग लाइन वो सेम रहता है। मान लो जो वीक स्टूडेंट रहता है, जिसका मान लो फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है और मान लो कि आपका 40% आने वाला है और जिस बच्चे का 90% आने वाला है, दोनों के लिए स्टार्टिंग लाइन सेम है, फिर क्यों किसी बच्चे का 40% आता है किसी बच्चे का 90% आता है? ये जो बीच का टाइम होता है यही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, यहीं पे आप गड़बड़ी करते हो। तो मेन चीज आप एक चीज समझ लो, सबका दिमाग सेम होता है और जो स्टार्टिंग लाइन होती है वो सबके लिए सेम होती है।
अभी से जो आप जो टॉपर बच्चा है उसके लिए भी अभी से टाइम सेम है, आपके पास भी सेम टाइम है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि तब उसके पास भी सेम टाइम है, मेरे पास भी सेम टाइम है, तो मैं क्यों नहीं अच्छा कर सकता हूं। तो आपको अपने स्टडीज को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि आपका पढ़ाई मान लो अभी से स्टार्ट हो गया है, तो क्लास टेंथ वाले बच्चे क्या करेंगे, साइंस मैथ्स और सबका आधा घंटा फिक्स कर लें कि हमको मैथ्स आधा घंटा पढ़ना है, साइंस आधा घंटा पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। तो आप जून अगस्त में सिंपली अपना बेस बनाओ, बेस बनाओ मतलब हर एक सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा कमांड स्टार्ट कर दो। उसके बाद जैसे ही सितंबर आएगा, जो आप जून जुलाई अगस्त में पढ़े रहोगे उसका रिवीजन भी करते जाओ और अगला टॉपिक भी पढ़ते जाओ, और दिसंबर खत्म होते होते आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, क्योंकि अगर दिसंबर तक आप सिलेबस कंप्लीट कर दोगे उसके बाद ही जनवरी फरवरी में आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, और साथ ही साथ उस समय अपना सैंपल पेपर और जो एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए आइडियली अगर आप चलोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप काफी अच्छा मार्क्स लाओगे। देखिए बोर्ड एग्जाम की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि आप क्लास टेन में कैसे अच्छा नंबर ला सकते हो। अगर साल भर आप देखो रेगुलर फॉलो करोगे टाइम टेबल को, तो ये चीज आपके फ्यूचर के लिए भी काफी अच्छा है। आपका अगर रेगुलरिटी बना रहेगा तो आप इलेवंथ की भी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, ट्वेल्थ की पढ़ाई अच्छे कर पाओगे, और साथ ही साथ आपका एक ब्राइटेस्ट फ्यूचर होगा। देखिए जो लड़का रैंडमली काम करता है वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता, एक चीज आप दिमाग में बना लो, आपको एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना ही पड़ेगा अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस पाना है। और इस समय आप देख ही रहो कितना कंपटीशन है, इसीलिए आपको कम से कम अब आपका वो फेस आ गया कि अब आपको अगर 9 तक आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन 10 से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो ये वीडियो स्पेशली मेरा बनाने का यही पर्पस है कि जो बच्चे हल्के में ले रहे हैं क्लास 10 को वो बिल्कुल ऐसा ना करें, आप धीमे ही स्टार्ट करो। देखिए कछुए की जो चाल होती है वो आपको समझना पड़ेगा, अभी आपको स्टार्टिंग में स्लो ही करना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जून जुलाई जो समर वेकेशन है आपका इसमें आप 10-10 घंटा पढ़ो, 5-5 घंटा पढ़ो, उतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इतना कर रहा हूँ कि कम से कम आप 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, जहां 0 वहां पे 2 बहुत अच्छा है, इसीलिए आप कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर लो, अभी से अपने दिमाग में बना लो कि भले इस मैं ये जो 2 महीना पढ़ने वाला हूं मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, भले स्कूल बंद है लेकिन मुझे खुद 2 घंटा पढ़ना है। ये चीज आपको अपने दिमाग में बना लेनी है कि कम से कम आपको 2 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि रेगुलर स्टडी का जो इम्पैक्ट रहता है ना वो आपको जनवरी और दिसंबर में समझ में आएगा। इकट्ठा अगर बोझ आपके सर पे आएगा ना तब सितंबर आएगा, तब आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो 70% बच्चे गलती कर चुके हैं, मैं आपको बता दूं 5 साल से मैं ये देख रहा हूं, अधिकतर बच्चों को देखता हूं क्या करते हैं वो जून जुलाई को टाल देते हैं, फिर सितंबर आता है तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, और जनवरी आते आते उनके पे काफी प्रेशर हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको जून से ही पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है, और साथ ही साथ रेगुलर पढ़ाई करोगे तो जो दिसंबर का टाइम आएगा बस उस समय आपको रिवीजन का टाइम बचेगा, और उस समय आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, आपके पास ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमको कोई नया टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि पूरी टॉपिक तो आप पढ़ लोगे। और साथ ही साथ जो टेस्ट होता है क्लास में उसको आप जरूर दिया करो, उससे आपको काफी बेनिफिट होता है, आपको जो आपका एक्यूरेसी रहता है वो स्ट्रांग होता है। तो जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट है वो इन बातों का ध्यान रखे कि सबसे पहले वो अपने पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लें, उनको पता तो चले टॉपिक क्या क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको हम पूरा जितने भी सीबीएसई बोर्ड है उनके भी सिलेबस दे देंगे, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट का सिलेबस दे देंगे, बाकी जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस हम डिस्क्रिप्शन में नहीं प्रोवाइड कर सकते वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, तो जितने भी बोर्ड इंडिया में वो हमको मैसेज कर सकते हैं हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ आज कम से कम जिस स्टडी रूम में आप पढ़ते हो सबसे पहले एक काम कर लेना कि अपना एक खुद का टाइम टेबल बना लेना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप 6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, बहुत हैवी टाइम टेबल बनाओ कि जो आप उसको फॉलो ना कर पाओ। देखो अगर आप वीक स्टूडेंट हो अभी कम पढ़े हो तो आप सबसे पहले क्या करो एक सिंपल टाइम टेबल बनाओ, आप 1 घंटे 24 घंटे में आप एक ही घंटे का बनाओ कि मैं एक ही घंटा पढ़ूंगा, लेकिन कम से कम उसको 21 दिन आपको फॉलो करना है, मतलब लगातार उसको 21 दिन फॉलो करना है। अगर आप लगातार उसको 21 दिन फॉलो कर लोगे देखना आगे चल के आपको काफी बेनिफिट होगा, आपको हैबिट पड़ जाएगी। अगर लगातार आप 21 दिन पढ़ लोगे तो आपको एक हैबिट बन जाएगी पढ़ने की। तो आपको कम से कम जो भी टाइम टेबल बनाओ, जो स्टूडेंट टाइम टेबल नहीं बना पा रहे उनके लिए मैं सिंपली बनाऊंगा कहूंगा कि आप सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो और लगातार 21 दिन पढ़ो, देखो आपको खुद हैबिट हो जाएगी पढ़ने का। और साथ ही साथ आपको रेगुलर स्टडी करनी है। देखो अगर रेगुलर स्टडी करोगे ना तो आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर स्टडी का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आप बहुत से टीचर से सुने भी होंगे कि वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि नहीं अभी से आप स्टार्ट करो तो आपको क्लास में टॉप ही करना है,
टॉप करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 90% आपको 10th में लाना ही लाना है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास सेम टाइम है। अभी स्टार्टिंग के दिनों में आप समझ लो स्टार्टिंग लाइन पे ही खड़े हो, अभी आपके पास पूरा टाइम है, लेकिन जैसे ही अगस्त सितंबर बीतेगा आप पीछे छूट जाओगे। तो आपको पीछे नहीं छूटना है, इस जंग में आपको लड़ के जीतना है। और साथ ही साथ आपको टाइम की वैल्यू जरूर समझना कि आपको कम से कम 1-2 महीने ये जो जून जुलाई वाला आपको समर वेकेशन समझ के इसको वेस्ट नहीं करना है। काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, देखिए जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं जा रहे उनके लिए, क्योंकि बहुत से मेरे चैनल पर कमेंट आते हैं कि सर हम कोचिंग नहीं जा पाते हैं, इस क्वेश्चन का डाउट होता है, तो देखो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तुरंत रिप्लाई ना मिले वो बात की बात है, लेकिन आप क्वेश्चन हमको दे देना, हम क्या करेंगे 1-2 दिन में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पूरा समझा देंगे। कॉल मत करना, बस व्हाट्सएप कर देना, आपको पूरा जो भी क्लास 10 से रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 1 जून से मैथ और साइंस के जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट है ध्यान से सुन ले, मैथ और साइंस का आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा 1 जून से, डेली आपको वीडियोस मिलती जाएगी। और 12th वाले स्टूडेंट को अभी थोड़ा लेट उनका स्टार्ट होगा, लेकिन 10th वाले बच्चों का 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए आप जितने भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी इस चैनल को फॉलो कर लें और 10th की पढ़ाई अच्छे से कर लें। तो देखिए जो जो पॉइंट आपको बताया उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टाइम टेबल आप जरूर बना लो और रेगुलर स्टडी आपको करना है, क्योंकि जितने भी मेरे चैनल पे स्टूडेंट है उनको मैं एक बात बता देता हूँ कि आपको अफसोस नहीं करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जनवरी फरवरी में आकर अफसोस करते हैं, अरे यार क्लास 10 का सिलेबस तो इजी था, मैं भी 90% नहीं ला पाया, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, टाइम आपके पास भी है, और देखिए इतना भी हार्ड नहीं है क्लास 10, बस आप रेगुलर पढ़ोगे तो बहुत इजी है, बस आपको अफसोस नहीं करना है, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि टाइम आपके पास भी था, टाइम उन बच्चों के पास भी था, वो अच्छा परसेंटेज ला के 11th में चले गए और आप 10th में ही रह गए। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड, या जो भी आपको कंफ्यूजन है क्लास 10 से रिलेटेड, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करना, आपको जो भी कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी सब सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।